एक हार्डन्ड क्रिमिनल को जब तक मार नहीं पड़ती बड़े बड़े मर्डर केसेस में वो नहीं बात करता, which is a very unfortunate. I think Pansota साहब trying to justify torture apologist है. इंग्लैंड अमेरिका वाली एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं है. 37 पे के तहत 10 साल भी है. मैं ये कह रहा हूँ कि मसला ये देखें आप उस पर आ जाते हैं. 37 बताएं मसला क्या है. मेरे ख्याल में एक क्विक कमेंट. मैं स्लाइटली Pansota साहब से डिसएग्री करता हूँ. मुस्तबर्गर्स ना मिलने पे पुलिस ने जॉनी एंड जुगनू के एम्प्लॉयज़ को अरेस्ट कर लिया, उनको मारा पीटा और उन पर तशद्दुद किया. पुलिस टॉर्चर और पुलिस पावर्स का अब्यूज़ हमारे मुल्क में बहुत आम है. पुलिस नाकों पे आम शहरियों को बिला वजह रोकना, उनको तंग करना और अपनी हिरासत में लोगों को मारना पीटना एक ऐसा संगीन मसला है जिससे हम सबकी ज़िंदगियाँ मुतासर होती हैं. HRCP के स्टेटिस्टिक्स, पिछले 5 सालों में 116 लोग अपनी जान खो बैठे हैं पुलिस कस्टडी में. इनमें जहनी बीमार और जुवेनाइल्स भी शामिल हैं. इन 2021 अलोन 3 जुवेनाइल्स इन सरगोधा, पेशावर एंड इस्लामाबाद पुलिस कस्टडी में अपनी जान खो बैठे. 26 जून हर साल इंटरनेशनल डे फॉर द विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर मनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ टॉर्चर के मुकम्मल खात्मे के लिए और कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर की इम्प्लीमेंटेशन के लिए. हम सब पुलिस टॉर्चर से मुतासर होने के बावजूद अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और प्रोटेक्शन से वाकिफ नहीं हैं. इस मौजूद पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट उसामा खावर एंड बैरिस्टर मोहम्मद अहमद Pansota. जी, मेरा तो पहले आप दोनों से ये सवाल होगा कि ऐसे कौन से वो एक्शंस हैं, इख्तियारात हैं पुलिस के जो उनकी पावर्स में फॉल करते हैं, या और ऐसे कौन से इख्तियारात हैं जो अब्यूज़ या टॉर्चर की डेफिनेशन में आते हैं. पुलिस के पास प्राइमरीली अपने कामों को अंजाम करने के लिए दो तरह के मेजर इख्तियारात हैं. एक, वो किसी शख्स को जाके गिरफ़्तार कर सकते हैं और गिरफ़्तारी के लिए उन्हें किसी जगह पर एंटर होने की भी ज़रूरत हो सकती है. तो एक तो पुलिस मोस्ट ऑफ जो जराइम हैं उनके लिए वो विदाउट जो वारंट है वो जाके किसी जगह पे एंटर हो सकते हैं और शख्स को अरेस्ट कर सकते हैं. ये अनफॉर्चुनेट बात है लेकिन हमारे कानून में ऐसा ही है. अब अब्यूज़ उसके बाद शुरू होता है कि किसी को अरेस्ट करने का अख्तियार है लेकिन उसको अब तफ्तीश के मकसद के लिए उसको टॉर्चर करके एविडेंस निकलवाना जो है वो हमारा ये जो सख्त अंग्रेज़ का कानून भी जो है वो भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि आप किसी को टॉर्चर करके उससे आप एविडेंस जो निकलवाएं. ये जो पुलिस का जो इख्तियार से तजावुज़ है उसके आगे बांध बांधने के लिए हमारे आईन के अंदर जो इस बात का है कि अगर पुलिस गिरफ़्तार करती है तो उसने एज सून एज पॉसिबल उसको रीजंस बतानी है कि क्यों गिरफ़्तार किया है, और फिर दूसरा उसको मैजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर अंदर लेकर जाना है, और तीसरी कि आपने उसके जो वकील है उससे उसको मिलकर और उसको कंसल्ट करने की इजाज़त देनी है. और टॉर्चर के ख़िलाफ़ जो प्रोहिबिशन है हमारे आईन के आर्टिकल 14 में लिखी हुई है, और किसी को की जो डिग्निटी है उसको आप मस्क नहीं कर सकते. तो हमारा आईन जो है वो ये कहता है कि आप अंडर एनी सर्कमस्टांसेस आप किसी शख्स को टॉर्चर नहीं कर सकते और किसी तरह का एविडेंस उससे एक्सट्रैक्ट करने के लिए या और किसी तफ्तीशी मकासद के लिए. तो ये तो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है. अहमद, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं थोड़ा सा इस पर मेरा स्लाइटली डिफरेंट व्यू. जी, पहली तो बात ये कि जो तारीफ़ें हैं सारी जो कानून में लिखी हुई हैं ये सारी बड़ी अच्छी बातें हैं, बट ग्राउंड रियलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सवाल असल ये है कि क्या अरेस्ट करने के बाद, और डोंट टेक इट एज अ जस्टिफिकेशन फॉर टॉर्चर या किसी तरह, क्या पाकिस्तानी निज़ाम में, पाकिस्तानी मुआशरे में इज़ इट पॉसिबल कि एक आदमी जो है उससे तफ्तीश की जा सके? एक ऐसे मुआशरे में जिस मुआशरे का स्टार्ट जो है वो घरों में मार से शुरू होता है, बच्चे के ऊपर मार धाड़ अलहदा होती है, बच्चे पर चीखना चलाना अलहदा है, एक ऐसे मुआशरे में हम उसको बड़ा कर रहे हैं जिसमें वायलेंस जो है फ्रॉम डे वन वो देख रहा है, फिर जब वो सोसाइटी में अपने आप को लेकर जाता है उस सोसाइटी में वो देखता है कि लेफ़्ट राइट एंड सेंटर टॉर्चर, लेफ्ट राइट एंड सेंटर ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं जिसमें जोर जबरदस्ती से, इंसाफ भी इस मुल्क में जोर जबरदस्ती से मिलता है, तो ऑटोमेटिकली उस आदमी की कंडीशनिंग हो जाती है. एंड व्हेन दैट इंडिविजुअल टर्न्स इनटू अ क्रिमिनल और उसको अरेस्ट करते हैं, तो आप कहते हैं जी उसको ऐसे बिठा के कहें अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या आपने चोरी की? वो आगे से कहे जी जी मैंने चोरी की. इस तरह कौन करता है? वो बंदा इतने आराम से नहीं बोलता, जिसकी वजह से उनको
जो थर्ड डिग्री है, टॉर्चर है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत हैं। एक हार्डन्ड क्रिमिनल को जब तक मार नहीं पड़ती बड़े बड़े मर्डर केसेस में वो नहीं बात करता, विच इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट। वो इंग्लैंड अमेरिका वाली एग्जांपल्स यहाँ पर नहीं है। अमेरिका इंग्लैंड में भी जब हार्डन्ड क्रिमिनल को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो घंटानों में बेले जाते हैं। आपके सामने टॉर्चर की एग्जाम्पल्स वहाँ पर है। और वैसे मुआशरे में हर चीज़ पर इतनी मुमानियत है कि ऑटोमेटिकली जब उस क्रिमिनल से जाके जेल में बात की जाती है तो डिफरेंट होती है। हमारी तो जेल में भिजवाने का मकसद है किसी मुलजिम को हार्डन्ड क्रिमिनल बनाना, लेकिन वहां पर स्कैंडिनेविया वगैरह में जेल्स जो रिफॉर्मेटरी होना चाहिए। आप एक्सपीरियंस, यू हैव डेल्ट विद अ लॉट ऑफ दीस केसेस। जी जी, आई थिंक पंचोटा साहब इज राइट। ही इज नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई टॉर्चर, बट ही इज अपोलोजाइजिंग फॉर टॉर्चर। टॉर्चर अपोलोजिस्ट है। ये मैं आपको एक तस्वीर, सारे मुल्क ने देखी कुछ दिनों के लिए, इस पर बड़ा झगड़ा पड़ा। ये सलाहुद्दीन साहब है। सर, आप जो बुकला टॉर्चर करते हैं उसको कंडेम करते हैं? जी, एब्सोल्यूट टर्म्स आए। नहीं, क्योंकि बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात की है कि टॉर्चर अपोलोजिस्ट हैं। पहली तो बात यह कि टॉर्चर को कोई भी बेवकूफ आदमी जस्टिफाई करेगा? टॉर्चर को हम जस्टिफाई ना ही, मैं टॉर्चर अपोलोजिस्ट हूँ, बट मैं इतना सेन जरूर हूँ कि मुझे वो रीजन समझने जरूरी है कि टॉर्चर क्यों होता है। हमें जहां पर वो टॉर्चर सूट करता है हम उस टॉर्चर के खिलाफ बोलते हैं, और वो सिर्फ पुलिस के खिलाफ बोलते हैं। ये बेचारी पुलिस के साथ क्या कसूर है, क्योंकि वो हमारे यूनिफॉर्म में नजर आता है। मैं अपने बारे में भी और जिन लोगों को मैं जानता हूँ जो इस टॉर्चर के बारे में गुफ्तगू करते हैं, वो इन सारे टॉर्चर्स को कंडेम करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बता रहे हैं, जो इन्होंने कुछ रीजंस दी कि पुलिस क्यों टॉर्चर करती है, वो इनके अपने क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो रीजंस इफेक्टिव नहीं है। उसकी इन्होंने ग्वांटानमो बे की मिसाल दी। CIA खुद जो है वो ये इस बात को मान चुकी हुई है कि जो टॉर्चर है, फिज़िकल टॉर्चर जो है, ये कोई इफ़ेक्टिव फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये जिन्होंने मिसाल दी उन्होंने खुद ये बता दिया। लेकिन ये मैं आपको पर्सनल किस्सा इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये आपने ये तस्वीर देखी होगी सलाहुद्दीन की। ही वॉज़ अ यंग मैन हु वॉज़ मेंटली चैलेंज, हु वॉज़ कॉट एक ATM के उनके उसके ऊपर इल्ज़ाम था कि ये चोरी कर रहा है। फिर ये एक ATM कैमरा को जो एक ज़बान दिखाता हुआ पाया गया। उसने पुलिस ने जब इसे इनिशियली इन्वेस्टिगेशन की तो उन्हें समझ लगा कि ये मेंटली चैलेंज्ड है। लेकिन उसके बाद उनको कुछ और, जिस ये सेल के अंदर था, ये मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंसेस बता रहा हूँ बिकॉज आई डेल्ट विद दिस केस। उन्होंने ही यूज़ टू हैव नाइटमेयर्स, और इसने कुछ रात को सोते हुए चीखा तो पुलिस को ये समझ लगी कि जी हमने जो इससे तफ्तीश की थी वो ठीक तफ्तीश नहीं थी और इसके पास शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन है। फिर उन्होंने वो उसको हवालात से ले गए, दिस वीडियो एविडेंस उसको ले गए, और उन्होंने जाके एक प्राइवेट सेल में थाने के बाहर इसको टॉर्चर किया। तो इसलिए वो सच की तलाश में, जिसको पुलिस के मुताबिक सच था, इतना उन्होंने टॉर्चर किया कि ही इवेंचुअली पास्ड अवे। इट्स अ हॉरिबल स्टोरी कि फिर उन्होंने उसको कवर अप किया। सारे निज़ाम ने, मेडिको लीगल रिपोर्ट से लेके पुलिस हायर अप्स ने, सब ने उस टॉर्चर को पहले ये कोशिश की कि ये इन्वेस्टिगेट ना हो, इसकी रिपोर्ट सही ना हो। और फिर जब किसी ना किसी तरह से उन्होंने एक मीडिया के और सिविल सोसाइटी के प्रेशर से उसकी कुछ तय तक पहुंचे, तो फिर उन्होंने वालदैन को प्रेशराइज करके और वो इवेंचुअली जो है वो उसामा साहब, मैं इस पे आपको बिल्कुल आई वांट लाइक टू रिस्पोंड। देखें, आपने एग्जांपल दी, जिस एग्जांपल का आपने साइट किया, इस एग्जांपल से तो हम सब के सब अग्री करते हैं। एंड वंस अगेन आई हैव टू रिपीट अगेन एंड अगेन कि टॉर्चर के साथ तो कोई अग्री नहीं करता। टॉर्चर इज नॉट द बेस्ट फॉर्म। मेरा सिर्फ सवाल ये कि पुलिस को हम उठा के, ऑफ कोर्स उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन हम सारी की सारी जो इल्स हैं उन पर लगा देते हैं कि जी पुलिस की ये बेसिकली प्रॉब्लम है, पुलिस की वजह से टॉर्चर है। इसके पीछे गवर्नमेंट की हम रोल को क्यों नहीं डिस्कस करते? आज तक आपका टॉर्चर वाला जो क्रिमिनलाइजेशन बिल है वो अभी तक पड़ा हुआ। श्री मजा, क्या नाम है, उसकी वजह यह है कि हमारी गवर्नमेंट बिजी है और कामों में नहीं। अब लेजिस्लेशन नहीं है तो एक आम बंदा जो कि इसका सब्जेक्ट विक्टिम होगा टू टॉर्चर, उसके पास क्या रिड्रेसल है, वो क्या कर सकता है? मैं स्लाइटली इस बात से बंसोड़ा साहब से डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट थिंक के विच माइट साउंड पैराडॉक्सिकल के लैक ऑफ लेजिस्लेशन इज एन इश्यू। वी हैव एन ऑब्सेशन
कि वी सी अ प्रॉब्लम एंड वी वांट अ न्यू टॉय, कि हम कहते हैं हम एक कानून बना के बड़ो सामा साहब आज की डेट में सजा क्या है? लेट्स से अगर एक पुलिस ऑफिसर टॉर्चर करता है, आप उसको 155 सी का पर्चा कराएं? मैं आपको पुलिस ऑर्डर का सेक्शन 156 डी बता देता हूँ, वो कहता है 5 साल सजा है जो पुलिस। अब आप ये बताएं आज तक आपने 5 साल एक बंदे को भी करवाई है कि नहीं? मैं उसका जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटिव पनिशमेंट्स रखेंगे और उन्हीं इदारों के पास अकाउंटेबिलिटी रखेंगे तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वाला हाल होगा। आपने कभी सुना है कि कोई जज जो है वो करप्शन पर रिमूव हुआ? बिकॉज हमारी अजम्पशन ये है कि उन्होंने उनका एहतसाब करना है। 155 जो आपने 156 डी एग्जाम्पल दिया और या 155 सी जो है उनकी अपील रिविजनली आती है डिजिटल आई जी पंजाब के पास, वो सारे माफ हो जाते हैं। 10 साल भी है, मैं ये कह रहा हूँ कि मसला ये है। देखिए उस पे आ जाते हैं, एक क्विक कमेंट, 337 पे भी आ जाते हैं। पुलिस का टॉर्चर कई दफा होता ही ऐसे है, पैरों के नीचे मार पड़ती है और तरह की चपेटें पड़ती हैं जिन पर कई दफ़ा मार्क्स होते ही नहीं है। 337 के आने के लिए तो मेडिकल रिपोर्ट में क्लियरली इंपॉर्टेंट है कि उसको ऐसी इंजरीज हुई हों, तो वहाँ से भी वायर निकल जाते हैं। आपको मैं जो वायर द रीज़न वाई एम सेइंग विच यू रिफर टू एज अ टॉय, द रीज़न वाई एम रिफरिंग टू एन एंटी टॉर्चर बिल अगेन एंड अगेन और एंटी टॉर्चर लॉ इज उसके अंदर एक मैकेनिज्म होगा, हर आदमी उसको इन्वोक कर सकता है और एक इंडिपेंडेंट इदारा उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा। अगर आप पुलिस पर छोड़ेंगे उसामा साहब तो वो वही होगा जो हम वकील एक दूसरे के साथ करते हैं, हम कहेंगे जी बहुत अच्छे। आप जो आपकी लाजे बात कर रहे हैं वो बजा है, लेकिन मेरे ख्याल में सिर्फ फोकस एक नए कानून पर करना, नया कानून आ जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन आपके सामने है। इस मुल्क में कानून तो बेशुमार आते रहते हैं, मैं आपको बेशुमार मैंने मिनिमम वेज की आप मिसाल ले लें, इस मुल्क में 20,000 मिनिमम वेज हो गया है, बहुत अच्छे अच्छे लेबर लॉज हैं कहाँ पे। तो मेरे ख्याल में ये फोकस जो है टू ऑन अ न्यू लॉ ये एक मिसप्लेस है। आई एम नॉट सेइंग कि इससे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, इट शुड बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, इट्स वन ऑफ द सॉल्यूशन। द मेन फोकस इज कि जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है, एक पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, उसके पास आपको अपने कुछ पैसे लगाने के लिए कुछ आप तैयार हों। देर नीड्स टू बी टू साइड्स ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एक इंटरनल पुलिस की डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़म्स जो हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग किया जाए, और फिर एक एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी हो। इट कांट बी कि आप सिर्फ एक करें और वन कैन कम एट द एक्सपेंस ऑफ पुलिस की अकाउंटेबिलिटी पे। मेरा व्यू ये है कि वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जिसकी सिर्फ है ही अकाउंटेबिलिटी, वो बेचारा पहले दिन से है ही अकाउंटेबल। हर जगह वो शख्स जो है, सॉरी टू यूज़ द वर्ड बट, जलील किया जाता है उसको। वो पहले डिपार्टमेंटल अकाउंटेबिलिटी फेस करता है, फिर सुबह आला अदालतों में जाके अपनी जो आला ज़रफ़ लोग हैं उनसे अपनी कमज़रफ़ी जो है उसका मुजाहरा देखता है, उसके बाद उस बेचारे पे पर्चे होते हैं। इन दी एंड वो सारा दिन या किसी का केस भुगतता है या अपना केस भुगतता है। मेरा सिर्फ सवाल ये है जो कि मैं टॉर्चर के रिलेटेड आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अकाउंटेबिलिटी की इनसे बात करनी है तो अकाउंटेबिलिटी इनकी इंडिपेंडेंट होगी, क्योंकि अपने स्ट्रक्चर में एट द एंड ऑफ द डे आई जी तक पहुँचते हुए वो माफ़ हो जाता है। और बड़े से बड़े क्रिमिनल्स को मैंने खुद देखा है कि डकैत थे पुलिस वाले, उनको उन्होंने माफ़ कर दिया, बिकॉज निज़ाम गलत है ना सर। अब एक हम लॉयर्स एक लॉयर्स का जब करते हैं क्रेडिबिलिटी उसकी अकाउंटेबिलिटी तो कितनी की हो सकती है? हम इट इज़ बट नेचुरल कि जब हम अपने इदारे में बैठ के वो अकाउंटेबिलिटी करेंगे नहीं होगी। इनके लिए एक इंडिपेंडेंट, मैं तो इवन कहता हूँ कमीशन होना चाहिए इस वक्त स्टेज पर, ताकि एक दफ़ा पुलिस का वो जो आंसर है उसको फारिग किया जाए। और मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ, वो पुलिस अफसरान जिनको मशहूर थे टॉर्चर के लिए, वो इवेंचुअली उनका जो ये सारा टॉर्चर वाला प्रेमिस है ये इट फेल लाइक अ पैक ऑफ कार्ड्स, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हमारा कल ही एक हाईकोर्ट में मुकदमा लगा हुआ है पुलिस ऑर्डर और उसकी रिफॉर्म्स के ऊपर। पुलिस ऑर्डर के अंदर पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन जो और कंप्लेंट अथॉरिटीज़ के पूरे पूरे इंस्टीट्यूशन हैं, वो बड़े डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन हैं, उनके अंदर पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, गवर्नमेंट से भी, ऑपोजिशन से भी, इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी हैं, हाई कोर्ट के नॉमिनेटेड जो लोग हैं। सो ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें सिर्फ एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी पुलिस ऑर्डर के तहत एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, तो इस पे चार जजमेंट्स भी आ चुकी हैं, सिंध हाई कोर्ट की अलहदा है, साद रसूल साहब के केस में अलहदा जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने एक अलहदा स्ट्रक्चर दिया हुआ इस पे। तो फिर किसको इसका इल्ज़ाम ठहराए मुर्ज़ा इल्ज़ाम? ये फिर गवर्नमेंट की लैक ऑफ विल है। पुलिस ऑर्डर जो कि मैं समझता हूँ कि बेहतरीन कानून है, पुलिस ऑर्डर बहुत खूबसूरत कानून है, लेकिन उसको आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। उस ऑर्डर के तहत जो टेन्योर्ड पोस्टिंग्स हैं, जिसमें आई हैव टू अग्री विद यू कि 3-3 साल के जो टेन्योर्ड्स हैं सीसीपीओज के, आईजीओज के,
एक मिनट में आप आईजी को या उसको ऐसे बदलते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके पास ये जस्टिफिकेशन हो कि आप किसी बड़े ओहदे वाले को बदलें, कि आपका आज दिल करे आप डीजी रेंजर्स चेंज कर दें या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुबह चेंज कर दें? नहीं कर सकते, विच इज वाई आर्मी इज परफॉर्मिंग। अगर आप उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में देखें, दे परफॉर्म। पुलिस बेचारों का प्रॉब्लम है, उनका वाली वारिस कोई नहीं है। तो इसलिए जो ब्रॉडर नुकता है वो ये है कि टॉर्चर सिर्फ पुलिस को कुछ करने से वो ख़त्म नहीं हो सकता। इट्स अ ब्रॉडर थिंग, देयर हैज़ बी अ मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी। जो पुलिस रिफॉर्म्स एक है, उसके अलावा जो जुडिशरी है, प्रोसिक्यूशन, और इसके अलावा जो हमने पाकिस्तान ने कुछ ऑप्शनल एक प्रोटोकॉल है जो हमने कैट को रेटिफाई किया हुआ है, लेकिन हम उसके तहत, कैट के तहत हमारी पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, 26 जून आ रहा है, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम उसके तहत कानून बनाएं, और फिर उसके बाद जो ऑप्शनल प्रोटोकॉल हैं उसी के अंदर इन्फोर्सिबिलिटी मैकेनिज्म हैं ऑप्शनल प्रोटोकॉल के तहत, के बाहर से इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स आ सकते हैं जो आके इन चीज़ों को देख सकते हैं। पुलिस को जो फंड मिलता है पंजाब पुलिस का, उसमें से तकरीबन 90% उनकी सैलरीज में जाता है। अच्छा, अब आप ट्रेनिंग पे देख लें, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग से मेरी बात हो रही थी, ट्रेनिंग के लिए फंड ही नहीं है जिनको आप उनको ट्रेन करना है। आई एग्री, लेकिन ये वाली बात अब पुरानी हो चुकी है, वो इसलिए कि अमेरिका में जो ब्लैक लाइफ मूवमेंट चल रही है उसका जो सेंट्रल जो प्लैंक है उनके आर्गूमेंट का, वो ये है कि थ्रू आउट 90s and 80s मैसिव किस्म की अमाउंट्स पम्प की गई हैं अक्रॉस द कंट्री जो पुलिस डिपार्टमेंट्स में, और उसने कोई क्राइम को या जो जस्टिस है उसको प्रमोट करने की बजाय उनका असर दूसरा हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू एम्फेसाइज कि मनी इज़ नॉट द सॉल्यूशन। आप जो कुछ बातें कह रहे हैं वो ठीक हैं, लेकिन एम्फेसिस इज़ नॉट ऑन द मनी कि आप पुलिस की फंडिंग को इंक्रीज कर दें जब तक कि अकाउंटिंग जो अकाउंटेबिलिटी के मनी इज नॉट द कंसीडरेशन। आई जस्ट क्विकली मेक द लास्ट पॉइंट, हमारे पास बस एक मिनट रहेगा। स्पेंडिंग मनी ऑन द राइट एरियाज, आप जब ट्रेनिंग पर स्पेंड करेंगे, आपने अमेरिका की एग्जांपल दी, स्कैंडिनेविया आपके आगे, जर्मनी आपके आगे, इंग्लैंड आपके आगे, आपका एक साइजेबल बजट जब तक उनकी ट्रेनिंग के ऊपर। आप एक पुलिस वाले के पास जाके कहते हैं यार ये मेरा कंप्यूटर का मसला है, फर्ज करें मान लेते हैं कि पुलिस की जुरिस्डिक्शन में है, वो बेचारे को समझ नहीं आती क्योंकि आपने उसको भर्ती जिस प्रोसेस से किया हुआ वो अल्हम्दुलिल्लाह 97 से जो आगे की सारी भर्ती है वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जेल हैं या आप पीटीआई के होंगे, उनकी ट्रेनिंग कोई नहीं, जब उसके ऊपर स्पेंडिंग ही नहीं होगी तो फिर बताएं पुलिस बेचारी कहाँ जाए? बाकी सारे इदारों में नैब फौज छप इसमें आप स्पेंडिंग देख लिया ऑन द इन्वेस्टिगेटिव साइड। थैंक यू एमा, थैंक यू सामा फॉर दैट इनसाइट। होपफुली आपको जितने भी सवाल होंगे पुलिस टॉर्चर से रिलेटेड हमने आज वो एड्रेस किए हो। इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस लीव अ कमेंट। Please join our Facebook Vakeel Online community and subscribe to our YouTube channel. See you next time.